जिसका भी सहयोग किया, सहायता की, उद्धार किया। भगवान ने कभी गाया नहीं, दुनिया वाले करने के बाद बहुत गाते हैं वो, हमने उनके साथ ये किया, हमने उनको ये दिया, लेकिन प्रभु ने कभी गाया नहीं, प्रभु ने कभी नहीं गाया। भगवान ने कहा मैं मानता हूं कि आपने बाण चलाए हैं, लेकिन भीष्म पितामह पता है क्या ब्रह्मा की ताकत है कि वो मेरी प्रतिज्ञा को तोड़वा सके? क्या शंकर जी में इतना बल है कि मेरी प्रतिज्ञा तोड़वा सके? तो भीष्म पितामह ने कहा प्रभु फिर आपने अपनी प्रतिज्ञा को क्यों तोड़ा? बोले मैंने अपनी प्रतिज्ञा को कहां तोड़ा, मैंने तो आपकी प्रतिज्ञा को रखने के लिए अपना प्रण तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि जब होड़ लगी मेरे भगतन में तब मेरी वहां कुछ भी न चले, मुझ में और मेरे भक्तन में मुझसे मेरे भक्त प्रबल निकले, यह प्रेम का पंथ निराला है इस पथ पर कोई चल निकले, मेरी मर्यादा टले तो टले पर मेरे भक्त का मान कभी न टले, पर मेरे भक्त का मान कभी न टले, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान ना टलते देखा, अपना मान गाइए सभी, भले ही आए भक्त का मान ना टलते देखा, जिनकी कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को प्रभु जी पलते देखा, उनको गोकुल के गोरस पर सौ सौ बार मचलते देखा, सौ सौ बार मचलते देखा, सौ सौ बार मचलते देखा, सौ सौ बार मचलते सौ सौ बार मचलते देखा। भगवान कहते हैं पितामह भीष्म इतनी किसी में ताकत नहीं कि मेरी प्रतिज्ञा को तोड़वा दे, वो तो मैंने तुम्हारी प्रतिज्ञा रखने के चक्कर में अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी, है किसी में ताकत जो मेरी प्रतिज्ञा तोड़वा दे? भीष्म पितामह बड़े प्रसन्न हुए, प्रभु आप बड़े दयालु हैं। और अंतिम प्रणाम जब भीष्म पितामह निवेदन करते हैं तो बस एक ही बात कहते हैं, प्रभु आओ प्यारे मनमोहन पलक झांप तो हिलूं ना, मैं देखूं और को ना तो देखन दूं, ना तो है देखन दूं, प्रभु केवल अब मैं अपनी श्वासों को विश्राम देने जा रहा हूं, और मैं नहीं चाहता हूं क्योंकि आप देखो बहुत चंचल हो, आप एक जगह स्थिरता से खड़े नहीं हो सकते हो, जब भी खड़े होते टेढ़े होते हो, देखते भी हो टेढ़े देखते हो, आपका देखना टेढ़ा, चलना टेढ़ा, खाना टेढ़ा, सब काम आप टेढ़े करते हो, लेकिन ये मेरा अंतिम समय है, बस जब तक प्रभु मेरी आंखें बंद नहीं होती टकटकी लगा करके आप मेरी आंखों में आंखें डाल करके मुझे इस रूप माधुरी का अमृत पान कराते रहो।
कृष्ण एव भगवती मनोभाग दृष्ट वृत्वी आत्मन्यात्माना मावेश्य सोंद स्वासो पारमत। जब तक मेरी सांसें बंद नहीं हो जाती तब तक आप मुझे देखते रहो, ऐसा कोई कह सकता है भगवान? किसने कहा? दादा भीष्म ने कहा। अंतिम समय में हम अपनों को देखते हैं, अपनों को, अपनों की बड़ी याद आती है। अरे देखो मेरे जाने के बाद या छोटे को का होएगा, हैं ने कि गट्टो और कर चलतो या को गलती ते पेंशन और मिल रही हो, फिर तो छोटो वालों भी सोचे के बाबा भाई तो पेंशन मिल रही है, खूब बादाम का हलवा अदोटो दूध। भैया जितनी सांसें ऊपर से मिली हैं बाबा को उतनी सांसें लेंगे, न एक कम लेंगे न एक ज्यादा लेंगे। सबके मन में होती है और कुछ कर चलते, अंतिम सांस पर उस बाबा को झाड़ू की पड़ रही है, देखो गाय झाड़ू चबाए जा रही है। और यही उस बाबा का हाल नहीं है, हम सबका हाल है। हम सबको ये नहीं पता है कि अगले पल हमारे साथ क्या होने वाला है, कब हमारी सांसें बंद हो जाए, किसी को नहीं पता है। लेकिन फिर भी सोएंगे रात्रि में तो पूरे दिन दूसरे दिन का प्लान बना करके सोएंगे, इतने बजे यहाँ, इतने बजे ये काम, इतने बजे ये, उससे मिलना है, उसको ये काम कराना है, उससे ये बात करनी है, बड़े तरह तरह के प्लान बना करके बैठ जाएंगे। और गलती से अगर लेंटर गिर पड़ा तो सब प्लान दब जाएंगे महाराज, वहीं की वहीं, फिर नहीं वो प्लान निकल करके आ रहे, जितने भी तुम्हारे कार्यक्रम बने हुए थे सब वहीं की वहीं लेंटर के नीचे दब जाएंगे। लेकिन व्यक्ति सोचता बहुत है कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अरे भैया हम और आप तो केवल निमित्त मात्र हैं, करने कराने वाला तो कोई और है। भीष्म पितामह प्रभु को देखते हैं और प्रभु भीष्म पितामह को देखते देखते भीष्म पितामह ने अपनी आंखों को बंद कर लिया सौनक जी महाराज, और एक आत्म ज्योति निकली जो ठाकुर जी के चरणों में विलीन हो गई। उत्तरायण सूर्य जैसे उत्तरायण हुए, भीष्म पितामह ने भी अपने आप को उत्तरायण कर दिया, क्योंकि भगवान का नाम भी एक उत्तरायण है, क्योंकि भगवान उत्तरा के घरों में परीक्षित की रक्षा करने के लिए पहुंचे थे। और जब भगवान उत्तरा के घरों में चले गए तो एक तरह से आप जब पढ़ोगे भगवान श्री कृष्ण के सहस्रनामावली में तो भगवान का एक नाम उत्तरायण भी है, यानी ये उत्तरा के भी पुत्र कहे जाते हैं, क्योंकि घरों में वही आता है माँ के जो माँ का बेटा होता है। सुंदर आज भीष्म पितामह का उत्तरायण हुआ, पांडव रोने लगे, चले गए बाबा चले गए। अरे भैया बाबा तो चले गए, अब रो क्यों रहे हो? अब तो केवल प्रसन्नता से इनका शरीर के साथ जो क्रिया आपको करनी है वो क्रियाएं करें। और भगवान ने समस्त क्रियाएं करा करके अब देखो भीष्म पितामह के सामने भगवान अंतिम समय में रहे और अपने हाथों से पांचों पांडवों के साथ समस्त क्रियाओं को कराया, दाह संस्कार। वो भीष्म पितामह कितने भाग्यशाली रहे होंगे जो उनके शरीर पर भगवान ने अपने हाथों से लकड़ी रखी होगी, चंदन लगाया होगा, अग्नि दाह संस्कार कराया होगा, शायद वो क्षण हम सबके सामने आ जाए आंखों के सामने, कम से कम भगवान बाद में कोई हमारे ऊपर एक लकड़ी भी रख दें। लेकिन ये नसीब कहां होता है, हम तो अपनी मैं में रहते हैं भैया। वो मैं तो दक्ष के भी काम नहीं आई, भगवान शंकर जी को गाली दे रहा था, मैं राजा प्रजापतियों का मैं राजा, और इसने मेरा सम्मान नहीं किया। सम्मान और अपमान आज की बात नहीं है, बोले बाबा सत्युग की बात। दक्ष ने कहा इसको मैंने अपनी बेटी दे दी, ये मेरा बेटा है, और मेरे आने पर इसने मेरा सम्मान नहीं किया। मैं राजा, मैं प्रजापतियों का राजा मालिक। भोलेनाथ ने कहा कि भैया तू अब मैं ही मैं कर, सर काट करके बकरे का सर छोड़ दिया, अब कर मैं। उसके बाद में भगवान अर्जुन को लेकर के, पितामह का उत्तरायण हो गया, अर्जुन को साथ लेकर के द्वारका पहुंचे। हे सूत जी महाराज कहते हैं सौनकादिक ऋषियों, इसके बाद में पीछे से परीक्षित का जन्म हुआ। और जैसे ही परीक्षित का जन्म हुआ, परीक्षित चारों तरफ परीक्षण करने लगा कि जिसने मेरी घरों में रक्षा की वो कहाँ है,
चारों तरफ परीक्षण करने लगा। और जैसे ही परीक्षण करने लगा तो संतों ने नाम रख दिया परीक्षित। वैसे परीक्षित का नाम है विष्णुराज। क्या नाम है? विष्णुराज। परीक्षण करने के कारण इनका नाम परीक्षित रख दिया। स एष लोके विख्यात परीक्षिति यत प्रभु गर्वे दृष्टमनुध्यान परीक्षेद नरेश्वरः। परीक्षण करने के कारण परीक्षित रख दिया। परीक्षित थोड़े बड़े होने लगे और जैसे थोड़े बड़े होने लगे पांडव सुंदर शिक्षा देने लगे, भैया जो शरण में आ जाए उसका कभी अपमान मत करना, अगर शत्रु भी एक बार शरण में आ जाए तो उसको भी क्षमा कर देना, आए हुए अतिथि का कभी अपमान मत करना और किसी संत का अपमान मत करना, किसी ब्राह्मण का अपमान मत करना, जितना हो सके धर्मार्थ के कार्यों में लिप्त होना, किसी भी प्रजा में किसी भी व्यक्ति को दुख मत देना। समय समय पर सुंदर उपदेश देते हैं। एक दिन क्या हुआ, युधिष्ठिर चारों भाई, क्योंकि अर्जुन तो द्वारका में थे, चारों भाई बैठे थे, साय का समय था, सामने से विदुर जी आ गए। क्योंकि विदुर जी युद्ध से पहले चले गए थे, बोले भैया मैं तुम्हारे युद्ध में नहीं रहूंगा। और जैसे ही विदुर जी आए युधिष्ठिर ने खड़े होकर के स्वागत किया, चाचा जी आप आए, आपने बड़ा सम्मान, हमारे सम्मान को आप ग्रहण करें। सुंदर पाद प्रक्षालन किया, सुंदर अंदर जाकर के आसन पर विराजमान करके कुशल क्षेम पूछी। तब कहा कि आप कहाँ चले गए थे, तो कहा कि भैया मुझे तुम्हारे युद्ध में न रहना था न देखना था, क्योंकि मैं अपनों को अपनी आंखों के सामने मिटता हुआ नहीं देखना चाहता, इसलिए मैं नहीं रुका। पूरा वृतांत युधिष्ठिर जी ने जब बताया विदुर जी को तो कहा कि केवल ताऊ और ताई जी दोनों रह गए, धृतराष्ट्र और गांधारी केवल दोनों रह गए, बाकी पूरा कौरव वंश खत्म हो चुका है। विदुर जी मिलने के लिए गए और जैसे ही मिलने के लिए गए धृतराष्ट्र को बड़ी खुशी हुई। देखो ताऊ ताई के बालक हो और अपने चाचा के बच्चों से द्वेष करते हो, कोई अघटित घटना घट जाए और ताऊ ताई का वंश खत्म हो जाए, तो क्या ताऊ ताई को छोटे भाई के बच्चों के पास रहना चाहिए जो द्वेष करते थे, जो एक वर्ष अज्ञातवास, 12 वर्ष वनवास, लाक्षाग्रह में जलाने का प्रयास, हर पल मारने का प्रयास जिन्होंने किया हो, क्या ऐसे रहना चाहिए? नहीं ना। लेकिन विदुर जी ने कहा कि तुम्हें धिक्कार है, अरे एक बार भी आप दुर्योधन से कह देते कि बेटा कोई बात नहीं, ये मेरे छोटे भाई के पुत्र हैं, संतान हैं, इनके साथ ऐसा मत करो। लेकिन आप तो पुत्र मोह में पड़े हुए थे, आपकी बाहर की आंखें तो वैसे ही, बाहर की आंखों से तो वैसे ही आप अंधे थे, आपकी पुत्र मोह में अंदर की आंखें भी बंद हो गई, क्योंकि दो आंखें बाहर की दो अंदर की भी तो होती है ना। माताएं कहती हैं कि तेरे हिये की फूट गई है, हिये माने जो दो आंखें अंदर होती हैं, तेरे हिये की भी फूट गई है। तो विदुर जी ने कहा कि अगर तुम एक बार कह देते तो ये ऐसा संग्राम न होता, लेकिन आप तो पुत्र मोह में पड़े रहे। क्यों? क्योंकि विदुर जी ने जब धृतराष्ट्र को समझाया, भैया देखो अगर शरीर का कोई अंग खराब हो जाए और उस अंग के खराब होने पर अगर पूरे शरीर को परेशानी हो रही तो उस अंग को डॉक्टर काट देते हैं, उंगली खराब हो जाए, हाथ में नुकसान होने वाला है तो डॉक्टर उंगली को काट देता है। विदुर जी ने विदुर नीति में बड़ा सुंदर समझाया है कि भैया अगर मोहल्ले में कोई खराब घर खराब हो, कोई चरित्र से खराब हो या कोई वाणी से खराब हो तो उस घर का त्याग कर देना चाहिए, गांव में कोई घर हो उसको घर का त्याग कर देना चाहिए, नगर में अगर कोई गांव हो तो, तहसील में कोई गांव हो तो उस गांव का ही परित्याग कर देना चाहिए। बड़ा सुंदर समझाया है, ऐसे ही ये तुम्हारे घर में जो पैदा हुआ है ये कलयुग का रूप लेकर के पैदा हुआ है, ये जो दुर्योधन है ये अधर्म का रूप लेकर के आया है, इसलिए आप अपने बेटे का त्याग कर दो। और जैसे ही धृतराष्ट्र से कहा दुर्योधन का त्याग कर दो, दुर्योधन सुन रहा था, क्या कह रहे हो, हमारे पापा के कानों को भर रहे हो,
खबरदार अगर मेरे राज्य में रहने की इच्छा जताई तो प्रातः काल होते ही निकल जाओ यहाँ से, क्योंकि विदुर जी दासी पुत्र थे, निकल जाओ यहाँ से। तो विदुर जी ने सोचा कि इससे ज्यादा और मेरा अपमान क्या हो सकता है। विदुर जी उसी रात्रि को छोड़ करके चले गए। भैया आज वही दिन धृतराष्ट्र को याद आने लगे। देखो जिन बच्चों को तुमने कभी देखा नहीं, आज वही बच्चे तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, तुम्हें अन्न पानी दे रहे हैं, तुम्हारे सर पर छत दी है। एक बड़ी सुंदर राजस्थान की घटना है। दो भाई थे, दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था, विशेष प्रेम था दोनों भाइयों में। दोनों भाई एक दूसरे के बिना न खाते थे न पीते थे, जहां भी जाते साथ साथ जाएं, खेलें साथ में, पढ़ें साथ में। धीरे धीरे दोनों भाई बड़े हुए, समय आने पर दोनों का विवाह हुआ। विवाह होने के बाद दोनों का विवाह अलग अलग जगहों से हुआ, और जैसे ही जिस दिन से विवाह हुआ उन दोनों की पत्नियों में मनभेद हो गया। मतभेद होना एक अलग बात है, लेकिन मन में मनभेद हो जाना ये बहुत बड़ी बात है। मतभेद को समझा करके समझाया भी जा सकता है, लेकिन मन में भेद हो जाए तो फिर कितना भी समझाओ समझ नहीं सकता है। दोनों पत्नियों में मतभेद हो गया, धीरे धीरे दोनों के संतान हुई। संतानों के मन में दोनों माओ ने जहर भर दिया कि तुम्हारे ताऊ ने हमारे साथ ऐसा किया, तुम्हारे चाचा ने हमारे साथ ऐसा किया, जबकि कुछ नहीं किया, लेकिन मन में जहर भर दिया। और जो संतानें हुई उन संतानों के अंदर कि ये ऐसे थे, इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया, इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया। अब तो दोनों की संतानें एक दूसरे का मुंह भी ना देखे, जहां दिख जाए बस मार कुटाई शुरू। धीरे धीरे दोनों भाइयों ने परिवार को एक करने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं, एक न चली, एक भी नहीं चली। धीरे धीरे अंतिम समय आया, बड़े भाई की मृत्यु हो गई, बड़े भाई की मृत्यु हो गई। और जैसे ही बड़े भाई की मृत्यु हो गई तो जो जो छोटे भाई के बच्चे थे उन्होंने कह दिया, खबरदार जो अपने भाई में तुम दो कंडे लगाने के लिए भी गए थे, एक लकड़ी का टुकड़ा भी आप अपने बड़े भाई की अर्थी में दाह संस्कार में नहीं लगा सकते। अब जो छोटा भाई था वो इतना रोए महाराज, इतना रोए, अरे कम से कम कुपूतो अंतिम समय में तो मेरे मुझे मेरे भाई के दाह संस्कार में हाथ लगा लेने दो, एक लकड़ी का टुकड़ा ही लगा लेने दो, कम से कम ये तो नहीं होगा कि भाई के होते हुए कोई अन्य और लोग कंधों पर रख करके ले जा रहे हैं, और लोग कंधों पर लेकर के जा रहे हैं। और पता है छोटे भाई के पुत्रों ने अपने पिता को कमरे में बंद कर दिया और कहा कि जब तक इनकी तेरहवीं नहीं हो जाती तब तक इनको कमरे से बाहर मत निकलने देना। 13 दिन उस भाई छोटे भाई के लिए 13 वर्ष के बराबर बीतने लगे, हर पल हर क्षण, क्योंकि जब बच्चे हो जाते हैं तो फिर सुनते ही नहीं है। अंतिम समय वे भैया चले गए, मेरा भी अंतिम समय है। जिस दिन 13वीं हुई और जो प्रसाद वितरण हो रहा था तो पूरा गांव प्रसाद खा करके चला गया, और जैसे ही प्रसाद खा करके पूरा गांव गया तो बच्चों ने सोचा, छोटे वालों ने, कि अब तो पूरा गांव प्रसाद खा गया है, अब कमरे से बाहर निकाल दो। तो जैसे ही कमरे से बाहर निकाला और शाम के समय जो अन्य समाज होता है कह देते हैं भैया भोजन करने के लिए आ जाओ, भोजन बचाए भोजन ले जाओ, तो जो समाज बैठा था शाम के समय, तो वो जो छोटा भाई था वो आकर के उन अन्य समाज के साथ में आकर के जहां जूता चप्पल उतरे हुए थे वहां करके वो बैठ गया। अब जैसे ही वो बैठा, बैठ करके पत्थर डाली, किसी बाहर के व्यक्ति ने दोना रखा, गिलास रखा, तो जैसे ही दृष्टि गई छोटे भाई का सर झुका हुआ था। क्यों? क्योंकि कोई देखेगा तो ये कहेगा कि देखो भाई की अर्थी में हाथ नहीं लगाया, भाई पर ये दो कंडे भी नहीं लगाए, भाई में लकड़ी तक भी नहीं लगाया, भाई की जो 13 दिन तक बैठक चलती है उसमें एक भी दिन नहीं आया, और देखो कितना। लेकिन उनको क्या पता कि मेरे ऊपर क्या बीत रही थी।
लोग जाने क्या क्या सोचेंगे, इसलिए गिलानी के कारण। लेकिन उस छोटे भाई के मन में भावना थी कि मैंने भाई के किसी भी काम में हाथ नहीं लगाया, कम से कम उसके प्रसाद को तो मैं थोड़ा सा पालूं, उसका प्रसाद तो मुझे मिल जाए, उसी से मेरी आत्मा तृप्त हो जाएगी, उसी से मेरी आत्मा तृप्त हो जाएंगी। और जैसे छोटे भाई, जो छोटे भैया थे, वो बैठ करके प्रसाद का निवाला जैसे मुंह में तोड़ा, किसी ने कहा अरे भैया, बड़े भाई के बेटों से कहा देखो तुम यहाँ पर बैठे हो और तुम्हारा वहाँ चाचा जूता चप्पलों में बैठ करके भोजन पा रहा है, तुम्हें डूब करके मर जाना चाहिए, ऐसे भतीजों से तो तुम्हें डूब करके मर जाना चाहिए। और जैसे ही जब बड़े भाइयों को पता चला, बड़े भाई के बच्चों को पता चला, दौड़े दौड़े आए, चाचा चलो, चाचा की आंखों में आंसू आ गए, भैया मेरी कोई गलती ना, मेरी कोई गलती नहीं है, ये तो जो तुम्हारे भाई है ना, जो मेरे बेटे हैं, उन्होंने भैया जिस दिन तेरे बाप का दाह संस्कार हो रहा था, तेरे बाप ने जिस दिन अंतिम सांस ली थी, उस दिन से अब तक मुझे कमरे में बंद कर दिया था। तो अचानक जो छोटे भाई के बच्चों को पता चला कि हमारे पिताजी बड़े वालों के यहाँ पहुंच गए, तो लेने के लिए आए, तो किसी बड़े बूढ़े ने कहा कि भैया अब तो कम से कम शर्म रखो, हमने तुम्हें कभी मतभेद होते हुए नहीं देखा, लेकिन तुम्हारे मन में जो मनभेद बन गया है उससे देखो कितना बड़ा आप अपयश के भागीदार बन गए हो। तो चारों जो पांच बड़े के पांच बेटे थे, छोटे के चार बेटे थे, नौ ने मिलकर के कहा कि अब आप क्या चाहते हो, तब कहा कि हम कुछ नहीं, हम तो बस ये, मैं ये चाहता हूं कि आप नौ के नौ इकट्ठे हो जाओ मेरी आंखों के सामने, बस मुझे शांति मिल जाएगी, बस मुझे शांति मिल जाएगी। वही बात विदुर जी समझा रहे हैं, और बड़ी सुंदर है विदुर नीति, कभी ज्यादा नहीं, 10 रुपए की आती है, बड़ा निचोड़ है, उसको कभी आप पढ़ें तो आत्मज्ञान मिलेगा आपको। धृतराष्ट्र को धिक्कारते हैं कि भैया अगर एक बार भी आप कह देते कि नहीं ये तेरे छोटे भाई के बच्चे हैं, ये जितना तू मेरे लिए लगता है उतने ये लगते हैं, ये भी संपत्ति के अधिकारी हैं, तो ये महान युद्ध जो आज हुआ है ये नहीं होता। लेकिन जब मेरा अपमान हो गया, तो मुझे जब मुझे ही सम्मान ना मिला, तो मैं छोड़ करके चला गया। और सुनो, अभी भी कुछ बना बिगड़ा नहीं है, अभी भी कुछ बना बिगड़ा नहीं है, अभी भी चाहो तो तुम अपना कल्याण कर सकते हो। और जो जो आप युधिष्ठिर के यहाँ पर बैठ करके इसका अन्न जल ग्रहण कर रहे हो, इसको छोड़ करके भगवान के चरणों में अपने मन को लगा करके अपना कल्याण कर सकते हो। तो बोले क्या हम तो अंधे हैं, दोनों अंधे हैं, हम कहाँ जाएंगे। तो कहा कि अभी आपका छोटा भाई जीवित है, और छोटे भाई का परम कर्तव्य होता है कि अपने बड़े भाई की सदगति करा दे। अभी मैं हूं, मैं आपकी सेवा करूंगा। और रातों ही रात में सूत जी महाराज कहते हैं, सोनकादिक ऋषियों, रातों ही रात में दोनों को लेकर के चले गए। 10वें दिन विदुर जी महाराज ने धृतराष्ट्र की और गांधारी की सदगति करा दी। जो तू राम नाम चित धरतो अगलो जन्म अब को जन्म अगलो तेरो दो जन्म सुधरतो अब को जन्म अगलो तेरो दो जन्म सुधर तो जो तू राम नाम चित धर तो जो तू राम नाम चित धर तो जो तू राम नाम चित धर तो हाँ जम को त्रास सबे मिट जातो जम को त्रास
समय मिट जातो, भक्त नाम तेरो पर तो, भक्त नाम तेरो पर जो तू राम नाम चित धर तो, जो तू राम नाम चित धर तो, तंदुल घीरत सावरी श्याम को, तंदुल घीरत सावरी श्याम को, संत परो सो कर तो, संत परो सो कर तो, जो तू राम नाम चित धर तो, जो तू राम नाम चित धर तो, हाँ हो तो नफा साधु की संगते, हो तो नफा साधु की संगत, मूल गांठ ते न डर तो, मूल गांठ ते न डर तो, जो तू राम नाम चित धर तो, जो तू राम नाम चित धर तो, अरे सूरदास बैकुंठ पेट में, सूरदास बैकुंठ पेट में, सूरदास बैकुंठ पेट में, सूरदास बैकुंठ पेट में, तेरी को न भेंट पकड़ तो, हरे कलौ केशव कीर्तना, हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 वत्सल भगवान की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, और दसवें दिन जाकर के सदगति करा, और जैसे ही कुछ समय बीता अर्जुन एक दिन आए, युधिष्ठिर बैठे हुए थे, अर्जुन से पूछा भैया तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है, मुंह क्यों उतरा हुआ है, तो अर्जुन ने कहा कि भैया क्या बताऊं, वंचितो हम महाराजा हरिणाम बंधु रूपिणा, ये न मे प्रथम तेजो देवा विस्मापनम महत, युधिष्ठिर ने कहा अर्जुन तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है, उदासीनता क्यों है, तब अर्जुन ने कहा कि भैया जिनके कारण मेरे गांडीव में टंकार होती थी, मेरे गांडीव को धनुष के पर जब मैं बाण चढ़ाता था तो पृथ्वी कांपने लगती थी, जिनकी कृपा से हमने इतने बड़े राज्य को जीता, जिनकी कृपा दृष्टि से हम सभी पालित हो रहे थे, आज वो प्रभु हमें छोड़ करके भगवत धाम चले गए। और जैसे ही कुंती ने सुना कि भगवान चले गए,
कुंती धड़ाम से गिर गई और जैसे ही गिरी आत्म ज्योति भगवान के चरणों में विलीन हो गई। पांचों पांडवों ने कहा कि अब जब भगवान ही चले गए तो हम क्या करेंगे रह करके। पांचों पांडव परीक्षित को गद्दी दे करके स्वर्गारोहण के लिए निकल गए। स्वर्गारोहण के लिए निकल गए। परीक्षित का विवाह हुआ ईरावती कन्या के साथ। चार पुत्र हुए। बड़े पुत्र का नाम है जनमेजय। अपने पूर्वजों के द्वारा जो बताए गए नियम थे उनके ऊपर अमल करते हैं। शरणागति की सदा रक्षा करना, संतों का सम्मान करना। तो परीक्षित महाराज वेश बदल बदल करके संतों के आश्रम में जाते हैं। कहीं कोई व्यवस्था तो नहीं है, व्यवस्था खराब तो नहीं है, अन्न जल की कोई कमी तो नहीं है, संतों की सेवा में कोई कमी तो नहीं आ रही है। पहले जाया करते थे वेश बदल बदल करके, वेश बदल बदल करके जाया करते थे। और आजकल देखते हैं अब तो केवल नजर भी संतों के आश्रम और आश्रम पर ही है। सरकार की जो दृष्टि है वो संतों के आश्रम पर। तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही सरकार भी सोचती है कि अब तो केवल महात्मा ही सबसे पैसे वाले हैं। और जहां जहां ये लगे कि भैया सरकार ऐसा डंडा घुमाती है कि साधु को है, अब साधु थोड़ी है, वो तो स्वादु है। हम किसी विशेष पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन बस ये कह रहे हैं कि जो भगवत भक्ति से परे हो जाता है और भगवान जिस पद पर उसको बिठाते हैं, भगवान सोचते हैं कि भैया तू इस पद के लायक रहा नहीं, भगवान उसको वहां से हटा देते हैं। परीक्षित थोड़े से बड़े हुए, जब पूरा राज्य उन्होंने देख लिया, संतों की सेवा करते हैं, सेवा करने के लिए जाते हैं वेश बदल बदल करके। तभी सूत जी कहते हैं सोनकादिक ऋषियों द्वापर का विश्राम होने लगा और कलयुग का आगमन होने लगा। एक दिन राजा परीक्षित संतों की सेवा के लिए निकले थे। भागवत जी में ऐसा कहीं वर्णन नहीं आया है कि परीक्षित जी महाराज शिकार के लिए निकले थे। परीक्षित ने जीवन में कभी शिकार नहीं किया, केवल संतों के यहाँ देखने जाया करते थे। किसी जीव जंतु के ऊपर कोई परेशानी तो नहीं है, किसी संत को कोई परेशानी तो नहीं है, कोई उनको सता तो नहीं रहा है। तो परीक्षित महाराज निकले। जैसे निकले देखा कि एक बहुत बड़ा हट्टा कट्टा पुरुष नंगी तलवार लिए एक बैल को काट रहा है। उसके सामने गाय खड़ी होकर के रो रही है और दोनों आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। वो व्यक्ति जो हट्टा कट्टा काला मोटा पुरुष है वो कह रहा है कि नहीं, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। धर्म ब्रवीसी धर्मज्ञ धर्मोसी ब्रसरूप धृक यद धर्म कृत स्थानम सूचकस्यापि तद भवेत। दोनों बातें कर रहे हैं और जैसे ही दोनों की बातें सुनी तो परीक्षित को लगा कि ये कोई साधारण नहीं है, ये तो मुझे लगता है धर्म के रूप में बैल के रूप में धर्म है और पृथ्वी के रूप में गाय है। दोनों आपस में वार्तालाप कर रहे थे और जैसे ही वो काला पुरुष उस बैल को मारना चाहता है, पीछे परीक्षित ने कहा खबरदार, तूने अगर अब की बार इस बैल से हाथ भी लगाया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा, मैं तुझे जान से मार दूंगा। और जैसे ही कलयुग ने मुड़ करके देखा परीक्षित को, परीक्षित के चरणों में साष्टांग लेट गया, राजन मैं आपको प्रणाम करता हूं। परीक्षित ने कहा भैया तू कौन है और मेरे ये राज्य में एक बैल के साथ तू ऐसा अन्याय कर रहा है। तब उसने कहा कि राजन मैं कोई और नहीं कलयुग हूं, मेरा नाम कलयुग है। और जैसे ही परीक्षित ने सुना कलयुग, कलयुग तू मेरे राज्य में निवास नहीं कर सकता है, तू मेरे राज्य में नहीं रह सकता है, तुझे मेरा राज्य छोड़कर के जाना पड़ेगा। तो कलयुग ने कहा प्रभु राजन सत्युग आया सत्युग गया, त्रेता आया त्रेता गया, द्वापर आया द्वापर गया, अब तो मेरी बारी है। दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, ये तो समय का पहिया है। अब तो मेरी बारी है और आप मुझे अपने राज्य से भगा रहे हो, मैं कहाँ रहूंगा,
मैं कहाँ रहूंगा। तो कलयुग से परीक्षित ने पूछा कि तेरे में सब दुर्गुण ही दुर्गुण है, तेरे में कोई सदगुण नहीं है, तेरे आने पर कोई माता पिता बुजुर्गों का सम्मान नहीं करेगा, संतों का सम्मान नहीं करेगा, एक दूसरे को स्वार्थ भरी दृष्टि से सभी देखेंगे, इसलिए तू मेरे राज्य में नहीं रह सकता है, तुझे मेरा राज्य छोड़ करके जाना पड़ेगा। बोले प्रभु आपने केवल मेरे दुर्गुणों को देखा है, गुण को नहीं देखा, आपने मेरे दुर्गुणों को देखा है, गुणों को नहीं देखा। बोले भैया तेरे में कौन सा ऐसा गुण है? तब कलयुग कहता है प्रभु भले ही मेरे में सभी अवगुण हैं, लेकिन एक सदगुण है। क्या? कल ने कहा तार दूंगा यदि जपे नाम की माला। सतयुग में योग के द्वारा भगवान को पाते थे, त्रेता में यज्ञ के द्वारा, द्वापर में पूजा पाठ के द्वारा, और मेरे में तो एक ऐसा गुण है कि केवल भगवान का नाम स्मरण करने पर ही भगवत प्राप्ति हो जाती है। बोलो राधे 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 राधे। केवल भगवान का नाम लेते भगवत प्राप्ति हो जाती है। यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत फलम लभते सम्यक लौकी सब कीर्तिना। जो फल किसी भी युग में नहीं मिलता था वो केवल मेरे में कीर्तन करने पर मिल जाता था। गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर मानस में भाव लिखा है, कलयुग सम युग आन नहीं जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गन विमल भवतर बिनही प्रयास, भवतर बिनही प्रयास। कलयुग में भले ही सभी दुर्गुण हैं, लेकिन कलौ केशव कीर्तनाथ, कलयुग में केवल कीर्तन से भगवत प्राप्ति हो जाती है। कृत युग त्रेता द्वापर पूजा मख अर जोग, जोगति हो सो कल हरे नाम ते पावै लोग। मेरे में प्रभु बस ये है कि मेरे में कुछ भी मत करो, लेकिन भगवान का नाम स्मरण कर लो, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। अच्छा, किसी ने कहा कि जब इतने दुर्गुण थे केवल इसी गुण के कारण परीक्षित ने इनको रहने दिया? बोले हाँ, क्यों रहने दिया? तब किसी संत ने बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया, भैया मधुमक्खी को देखा है? बोले हाँ, उसकी शक्ल भी अच्छी नहीं होती, वो जब चलती है भन्न भन्न करके चलती है, उसका चलना भी अच्छा नहीं लगता, उस वो बैठ जाए तो उसका बैठना भी अच्छा नहीं लगता, पास होके निकल जाए पास होकर के निकलना अच्छा नहीं, शक्ल अच्छी नहीं, बैठना अच्छा नहीं, कोई कार्य अच्छा नहीं, लेकिन उसमें एक अच्छा गुण है। क्या? कि दुनिया के सभी इंजीनियर जो बने बैठे हैं उनका माइंड डेड हो गया, जो माइंड डेड बने बैठे हैं ना उनका माइंड डेड हो गया, लेकिन आज तक वो ऐसी मशीन नहीं बना पाए कि किसी पुष्प से उसके रस को सींच करके मधु बना दे, शहद बना दें, ऐसा कोई इंजीनियर आज तक पैदा नहीं हुआ। लेकिन मधुमक्खी में ये सबसे बड़ा सदगुण है, भले ही शक्ल उसकी बुरी हो, उसका चलना बैठना उड़ना सब कुछ बड़ा है, लेकिन जो रस एकत्रित करके वो मधु हमको देती है, और देखो फिर भी हम उसको पालते हैं। महाराज खा जाए तो मुंह को फिला दे, अगर मुंह पे कहीं खा जाए तो मुंह भूल जाए, किसी भी शरीर के अंग पर खा जाए तो महाराज ऐसा लगे कि जन कितना खाया पिया घर का है, जिसका बैठना उठना खाना पीना सब बेकार, लेकिन एक सदगुण क्या है कि वो फूल से रस एकत्रित करके शहद हमको प्रदान करती है, और हम लोग बड़ी बड़ी नीतियों के साथ उसका पालन करते हैं। तो भैया वैसे ही परीक्षित महाराज ने देखा कि भले ही कलयुग में अनेक अनेक अवगुण हैं, लेकिन एक सदगुण है। एक सदगुण क्या? कलौ केशव कीर्तनाथ। कलयुग में केवल गोविंद का नाम गुणगान करने से ही भगवत भक्ति प्राप्त हो जाती है। तब कलयुग ने कहा कि प्रभु मेरे में सदगुण है, और ये बड़ा अच्छा लगा परीक्षित जी को। बोले अच्छा तेरे अंदर इतनी खासियत है, तो जा मैं तुझे चार स्थान दे रहा हूं। कौन कौन से? द्यूतम पानम स्त्रियम सूना यत्राश धर्म चतुर्विद, तेरे को चार स्थान दे रहा हूं, जहां शराब पी जाती हो, जहां मदरा पान होता हो, जहां वैश्यावृत्ति होती हो, जहां हिंसा होती हो, जहां पर कुकर्म होते हो, ऐसे स्थान पर तू रह सकता है।
कलयुग का सर झुक गया महाराज, तुम्हारे राज्य में मेरा आगमन हुआ है और तुम्हारे घर कोई अतिथि आए तो तुम ये कह दोगे कि जा जा करके चप्पलों के पास बैठ जा, जा हमारे जूते उतर रहे वहां बैठ जा। बोले नहीं महाराज, मेरा परिवार बहुत बड़ा है, कुछ अच्छी सी जगह दे दो मुझे। तो परीक्षित जी के मुंह से निकल गया पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु। कलयुग तू जाकर के सोने में भी वास कर सकता है और वैसे जैसे ही कहा कि स्वर्ण में भी वास कर सकता है। सूक्ष्म रूप धारण करके कलयुग परीक्षित के मुकुट में विराजमान हो गया और जैसे ही विराजमान हुआ, अब बहुत से संत कहते हैं कि वो मुकुट भगवान अनिति से लेकर के आए थे, जरासंध को मार करके अर्जुन और भगवान और भीम तीनों गए थे दक्षिणा में मल्ल युद्ध मांगा कि हम तुम्हारे साथ मल्ल युद्ध करना चाहते हैं। तो भीम का और जरासंध का मल्ल युद्ध हुआ। जब भीम मल्ल युद्ध में जाए लड़ने के लिए जाए तो जरासंध भीम की एक एक हड्डी को तोड़ करके रख दे। भीम ने शाम को आकर के कहा प्रभु मेरे बस की नहीं है इसे युद्ध करना, पता नहीं किस मिट्टी का बना है। तो भगवान ने कहा चिंता मत कर, कल मेरी तरफ देखना। युद्ध करते करते जब भीम ने भगवान की तरफ देखा, भगवान ने तिनका लिया और विपरीत दिशा में फेंक दिया। बोले बीच से चीर करके इसको विपरीत दिशा में फेंक दे, इसका जिसको मृत्यु प्राप्त हो जाएगी। भीम ने वैसे ही किया तो अनीति से कमा करके लाए, भगवान ने वहां भी गड़बड़ कराई थी। तो उसी अनीति के कमाए हुए धन में कलयुग का वास है ऐसा संत कहते हैं। मुकुट में बैठ गया, बुद्धि विकृत हुई और जैसी बुद्धि विकृत हुई एक संत का अपमान कर दिया, प्यास लगाई। जहां संतों से संतों की सेवा करने के लिए जाते थे, आज संतों की सेवा कर सेवा लेने के लिए निकल पड़े। समीक ऋषि आंखें बंद करके तपस्या में रत थे। ऋषि मुझे पानी की प्यास लगी है, हे महात्मन जल पिलाओ मुझे। आंखें बंद कर ऋषि ध्यान में मग्न थे तो कहा कि ये पाखंड कर रहा है, इसने जो आंखें बंद कर रखी हैं ये पाखंड कर रहा है। तो वहीं से बाण की नोक पर एक मरा हुआ सर्प लेकर के गले में डाल दिया। इसी दृश्य को एक शिष्य ने देखा, शिष्य ने जाकर के समीक ऋषि के पुत्र को बता दिया, भैया तुम्हारे पिता के गले में परीक्षित ने मरा हुआ सर्प डाल दिया है, मरा हुआ सर्प डाल दिया। और जैसे ही कहा कि मरा हुआ सर्प डाल दिया है, हाथ में जल लिया और जल लेकर के कह दिया कि जिस राजा को इतना गुमान है कि मैं राजा हूं, जा उसने मेरे पिता का अपमान किया है। इति लंगित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनी, आज से सातवें दिन बाद इस राजा को इसी सर्प के जो अग्रज हैं वो दंश कर लेंगे और इसकी मृत्यु हो जाएगी। जल छोड़ दिया, राजा को श्राप मिला। समीक ऋषि को पता चला कि बेटे ने राजा को श्राप दे दिया है, बड़ा पछतावा हुआ, तूने क्या कर दिया। अरे जिसकी स्वयं भगवान ने घरों में आकर के रक्षा की, कोई बात नहीं, हमारे राजा हैं, हमारे पालक हैं, अगर ऐसा कर दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन तुझे सर्प श्राप नहीं देना चाहिए था, लेकिन तूने श्राप दे दिया है क्योंकि ब्राह्मण बालक है, ऋषि पुत्र है। एक गौरमुख नाम के शिष्य को बुलाया और कहा कि भैया परीक्षित को श्राप लगा है, जाकर के कम से कम उसको बता के तो आ जाओ कि तू तुझे आज से सातवें दिन बाद इसी सर्प के अग्रज तक्षक नाम का नाग आकर के दंश करेगा, तेरी मृत्यु हो जाएगी। गौरमुख ने आकर के कहा कि राजन ऐसी ऐसी बात है, आपको श्राप मिल चुका है। परीक्षित ने अपना मुकुट लेकर के अपने बड़े पुत्र के सर पर रख दिया, भैया आज से इस राज्य का राज्य अधिकारी तू हो गया। उसी समय सभी घरवार को छोड़ करके गंगा जी के तट पर आकर के विराजमान हो गए। बड़े बड़े संतों को पता चला कि परीक्षित को श्राप लगा है, परीक्षित को श्राप लगा है। बड़े बड़े संत आकर के इकट्ठे हो गए। अत्रि वशिष्ठ चव्यन सारद्वा नृष्ट नेमी भृगुरंगराश्च। अत्रि जी वशिष्ठ जी चव्यन ऋषि भृगु अंग्रा बड़े बड़े सिद्ध संत माने हुए संत इकट्ठे हो गए आकर के। परीक्षित सभी से पूछते हैं ये बताओ जिसकी जल्दी मृत्यु हो उसको क्या करना चाहिए, जिसकी मृत्यु नजदीक हो उसको क्या करना चाहिए। सब बंद हो जाते हैं, भैया महामृत्युंजय का पाठ करो, गंगा जी में गर्दन तक खड़े होकर के राम राम का भजन करो। कोई विशेष उपाय नहीं बता पाया।
उन ऋषियों में अत्रि वशिष्ठ व्यासी भी आकर के बैठे हैं जिन्होंने भागवत जी की रचना की है। व्यास जी के पिताजी शक्ति भी आकर के बैठे हैं, बड़े बड़े संत आकर के बैठे हैं, लेकिन कोई परीक्षित के उद्धार की बात नहीं बता पाया। सुखदेव भगवान आंखें बंद करके बैठे थे, नारद जी को पता चला, नारद जी सीधे गए भगवान सुखदेव जी के पास में, प्रभु आप आंखें बंद करके बैठ रहे, वहां देखो परीक्षित की अधोगति होने वाली है और यहाँ आप आंखें बंद करके बैठे हो। तो सुखदेव ने कहा भैया जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं जाना। तो नारद जी ने कहा कि ये बताओ कोई अंधा व्यक्ति हो, सामने कुआ हो और दो आंख वाला व्यक्ति उस कुएं पर बैठा हो, तो क्या आंख वाले व्यक्ति का कर्तव्य नहीं बनता है कि उस अंधे व्यक्ति को रोक दे, भैया आगे कुआ है, तू आगे जाएगा तो गिर जाएगा। बोले बिल्कुल, अगर वो ऐसा नहीं करता है तो पाप उस पर पड़ेगा। नारद जी बोले प्रभु परीक्षित अंधा है और अधोगति कुएं में गिरने वाला है और आप तो आंख वाले हो। सुखदेव जी मुस्कुरा गए, नारद जी जिसके ऊपर आपका हाथ रख जाता है उसका कल्याण होने से कोई रोक भी नहीं सकता। और सीधे नारद जी के सहित उस सुंदर सभा में आज सुखदेव जी महाराज पधारे हैं। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो बभूव यद्रिक्षया गामट मानो नपेक्ष अलक्षलिंगो निजलावतुष्टो प्रदस्य बालैर अवधूत बेस। परीक्षित बैठे हुए हैं, षोडश वर्षीय सुखदेव भगवान उस सुंदर सभा में आकर के जैसे ही विराजमान हुए, बड़े बड़े संत जो बैठे थे सुखदेव जी महाराज को देख करके खड़े हो गए और हमारे मंद में भी सुखदेव भगवान आ रहे हैं। बोले सुखदेव भगवान की जय, परीक्षित जी महाराज की जय। और जैसे ही बैठे परीक्षित के मन के भाव उमड़ने लगे, खुल गए दिशाओं के फाटक, कोई रोक थाम नहीं, चाहे तो वर्षों पड़े रहे चाहे तो पल भर रुके नहीं, हम चंचल और अचल दोनों सब संग किंतु गए नहीं, हम साह साह निर्द्वंद सके सब पहले अब कुछ सहे नहीं। परीक्षित मुस्कुरा गए, लगता है कि मेरा कल्याण करने वाले मेरे भगवान पधार गए। और परीक्षित ने सुंदर पूजन किया, पूजन करने के बाद में प्रश्न कर दिया, प्रभु जिसकी मृत्यु नजदीक हो उसको क्या करना चाहिए, जिसकी मृत्यु नजदीक हो। और जैसे ही प्रश्न को सुना सुखदेव जी प्रसन्न हो गए, ये साम संस्मरणा पुंसाम सत्य सुद्यंति वही ग्रहा किम पुनर दर्शन स्पर्श पाद शौचा सना देवी, ये साम संस्मरणात् पुंसाम जिसकी मृत्यु नजदीक हो उसको क्या करना चाहिए। प्रभु आप ऐसे हैं कि आपका कोई स्मरण कर ले तो उसका कल्याण होता है, मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ। अतः प्रक्षामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरुम प्रसस्य हम यत् कार्यम रीयमाणस्य सर्वथा। बोले सुखदेव भगवान की जय, जय श्री राम।